नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे बॉडी के अंदर में ये जो ब्लड का प्रेशर होता है, ये ब्लड का प्रेशर किन किन जगहों पे हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा नेक है, यहाँ पे देखेंगे आप इजिली हमें ब्लड का प्रेशर पता चल जाता है। ये हमारा रिस्ट है, रिस्ट के अंदर में हम इसको थोड़ा प्रेस करेंगे राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से, तो आप देखेंगे ब्लड जो आपको ऊपर की तरफ प्रेशराइज उसका फील हो रहा है। तो आखिर ये सारे मतलब ब्लड के स्किन के पास इजिली हमें पता चल जाता है कि ब्लड का प्रेशर कैसा है, और इसी प्रेशर को हम लोग पल्स कहते हैं। प्रेशर ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड पल्स। और ये एक मिनट में जितनी बार ये धड़कता है, मींस बीट करता है, उसको हम लोग पल्स रेट कहते हैं। सो पल्स, पल्स रेट, ये दोनों बराबर है। एक मिनट में जनरली 72 टाइम्स पल्स रेट होता है, मतलब 60 सेकंड में 72 टाइम्स, 60 सेकंड में 72 टाइम्स होता है ये हार्ट बीट। अब आ जाइए एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। जिस तरह से हम लोग खाना खाने के बाद, जैसे मान लीजिए अगर आपको केला खाना है तो केला आप खाएंगे लेकिन उसके छिलके को नहीं खाते, छिलके को हम लोग फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं बताओ? क्यों फेंकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो केला जो है, केले के छिलके को हम लोग इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि केला का छिलका जो है वो वेस्ट मटेरियल है। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर में जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसमें जितना भी न्यूट्रिशंस है, वो न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल को हमें हमारे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, और ये एक्सक्रीशन प्रोसेस से होता है, जो हम बहुत पहले सेकेंड चैप्टर आई थिंक उसमें पढ़ चुके हैं। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब आ जाइए ये किन किन सिस्टम से हमारे बॉडी में रिमूव होता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम ये क्या सब हो, यूरिनरी सिस्टम में क्या सब होते हैं? इसमें किडनीज होते हैं, यूरेट्रस होते हैं, यूरेथ्रा होते हैं। आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो हमारे बॉडी में जितना भी हम पानी पीते हैं या कोई भी लिक्विड मटेरियल कंटेन करते हैं, तो ये सारा लिक्विड मटेरियल, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे हम लोग पिए वैसे निकाल दें, उसका एक सिस्टम है जिस सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास जो किडनी है, किडनी के अंदर में फिल्ट्रेशन होता है, और ये फिल्टर करके जो भी, जैसे मान लीजिए ब्लड के साथ गया और ब्लड के अंदर में जो भी न्यूट्रिशंस है उसको सेंड बैक कर दिया, और जो वेस्ट मटेरियल है फिल्टर करके उसको बाहर फेंक दिया। तो ये फिल्टर करते समय में पहले किडनी से, किडनी के अंदर में टिनटाइनी टाइनी पार्टिकल्स है जिसको हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं, फिर नेफ्रॉन्स से थ्रू होकर के यूरेट्रस में जाता है, यूरेट्रस से डायरेक्टली फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये रिमूव आउट होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा किडनी का जो फिल्ट्रेशन पार्ट है वो अगर हमारा फट जाए तो क्या होगा? ये जो फट जाएगा तो हमारा किडनी का फिल्टर पार्ट यूरिन को पूरे बॉडी में पॉइजन के रूप में स्प्रेड कर देगा, तो हमारे पूरा शरीर जो है वो खून जहर बन जाएगा, और जहर बनने से क्या होगा, हम इजिली मर जाएंगे। तो लेकिन एक ऐसा आर्टिफिशियल मेथड है, अगर हमारे शरीर में पॉइजनस ब्लड भी है तो उसको हम रिमूव करके उसको प्योर ब्लड बना करके हम शरीर में भेज सकते हैं, जिसको डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस इज एन आर्टिफिशियल मेथड बाय विच from a patient body the impure blood is taken out and after making pure it is sent back to the patient's body. अब आ जाइए जब हमने देखा dialysis, अब second है हमारा कि बहुत other organs भी है जो हमारा excretion के, जैसे हमारे मान लीजिए lungs हैं, तो lungs के through भी हम लोग excretion करते हैं। जैसे मान लीजिए carbon dioxide हमको शरीर से बाहर निकालना, तो उसके लिए हमारे पास lungs है, जो lungs जो है carbon dioxide को देता है और हम अपने शरीर से उसको बाहर निकालते हैं। जैसे बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमने पी लिया, अगर वो भी हमें हमारे शरीर से बाहर निकालना है तो हमारे शरीर के अंदर में स्किन के ऊपर में टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, वो स्किन पोर्स से हम लोग स्वेट के रूप में वो भी हम लोग वाटर बाहर निकाल सकते हैं। तो अदर ऑर्गन्स भी हमारे एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। अब आ जाइए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के पास ना तो लंग्स होता है ना किडनी होता है, तो वो कैसे एक्सक्रीशन करेगा या ट्रांसपोर्टेशन करेगा? तो प्लांट्स आप देखिएगा नीचे में जब रूट्स होते हैं, वो रूट्स के अंदर में रूट हेयर्स होते हैं जो सॉइल के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो सारा रूट हेयर जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर हैं, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करके रूट हेयर तक पहुंचाता है, और रूट हेयर के पास एक चैनल ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिससे सारा वाटर जो है सप्लाई होकर के लीफ पार्ट तक चला जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग जाइलम कहते हैं। और दूसरा है जो लीफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फूड या मिनरल्स ऑब्टेन करता है, वो सारा रूट तक फ्लोइंग प्रोसेस के थ्रू पहुँचता है। अब
फ्लोएम प्रोसेस तो आप इजीली समझ गए, लेकिन जाइलम के अंदर में दो प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी मटेरियल फ्लो फ्रॉम और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्रेशर टू अनदर, मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ए से बी की तरफ में ये डिफ्यूज। जैसे मान लीजिए हम लोग बॉडी स्प्रे लगाते हैं, तो बॉडी स्प्रे लगाने के बाद क्या होता है, पूरा रूम जो है हमारा मतलब सेंट से गमकने लगता है, स्मेल आने लगती है पूरे रूम के अंदर में। इसका रीजन मेन है डिफ्यूजन, क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए प्लांट्स का रूट है, रूट से लीफ तक ले जाने में उसको प्रेशर की जरूरत होगी, जिस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो डिफ्यूजन होकर के, हायर कंसंट्रेशन का मतलब हो गया रूट और लोअर कंसंट्रेशन का मतलब हो गया लीफ, तो रूट से लीफ तक ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के तरह जाता है, जिसके अंदर में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, वो सॉल्यूट पार्ट्स को ऊपर नहीं जाने जाता है, जाने देता है, ओनली लिक्विड पार्ट को ऊपर जाने देता है, क्योंकि सॉल्यूट पार्ट बड़े बड़े होते हैं। तो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक टाइप का फिल्टर हो गया, जो सॉल्यूट पार्टिकल को फिल्टर करके लिक्विड पार्टिकल को ऊपर जाने, फिल्टर्ड पार्ट को ऊपर जाने देता है। ऑस्मोसिस इन प्लांट्स हैज बीन डन थ्रू द ट्रांसपीरेशन पुल। अब मान लीजिए अगर रूट ने जाइलम पार्ट तक पहुंचा दिया, तो वहां से ट्रांसपीरेशन पुल के कारण रूट से लेकर के लीफ तक वहां पे वाटर जाता है। अब आ जाइए, कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे होंगे, जैसे मान लीजिए हर्ब शर्ब्स, तो वो लोग जो है अपने ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो करते हैं उसको हम लोग गुटेरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर लूजेस फ्रॉम द लीफ ऑफ अ प्लांट। आप जानते हैं कि लीफ के बैक साइड में टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, उसी से अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर चला गया, तो प्लांट्स अपने लीफ में से, उस बॉडी में से, पूरे स्टेम में से, लेंटिसल्स में से, वो वाटर को लूज भी करता है, जिस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग YouTube।